मारे की पहचान कहीं जाते तो किसी का जहान पर्वत मेरा प्रभु जी चले आना कभी आना तुम राम रूप रामनवमी है और माता रानी की कृपा है जहाँ तक आए हैं तो जय माता रानी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं और जैसे कि आज का प्रोग्राम है वो लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ जम्मू के डिफरेंट कॉलेजेस और एनजीओज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस पूरे प्रोग्राम से हमारा हर साल यही मोटिव रहता है कि जो हमारी जम्मू की जनता है उसको ये मैसेज दिया जाए कि आप हमारी सूर्यपुत्री तवि को साफ़ और स्वच्छ रखें कि एक लौती लाइफ लाइन है हमारे जम्मू की जहाँ से पूरे जम्मू को पानी सप्लाई होता है, ये अगर ख़राब हो गई तो जम्मू के क्राइसिस हो सकते पानी के क्राइसिस हो सकते हैं हमारे जम्मू में। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको सेग्रीगेट करके म्यूनसिपैलिटी की हेल्प से उसको वापस रीयूज़ किया जाए और जो भी साग है जो हम 9 दिन पूजा करके साग लगाते हैं वो पब्लिक को हम अलाउ करते हैं कि वो विसर्जन करें और अपनी आस्था को पूरा करें। क्या मैसेज रहेगा पब्लिक के लिए? सर हमारा जनरल मैसेज यही है कि आप भी इस चीज़ को समझें कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं जम्मू में वो दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। आप इस तवी का स्ट्रेच देख सकते हैं कितनी ड्राई हो चुकी है। ये आने पहले वाले टाइम पे अलग अलग वैरायटीज़ की इसमें मछलियाँ हुआ करती थी, अलग अलग एनिमल्स हुआ करते थे और पानी बिल्कुल साफ़ हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम अगर आप तवी देखेंगे इसकी बहुत बत्ता हालत है। पब्लिक के लिए भी ये मैसेज है कि आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंस को समझें, सिर्फ रामनवमी के अवसर पर नहीं, जनरल डेज पे भी हम देखते हैं पब्लिक पुल के ऊपर से वेस्ट अपने पूरे महीने का इकट्ठा करके तवी में डाल देती हैं, वो भी ना करें। अपने वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और इस पूरे जम्मू को क्लीन बनाने में, तवी को सेफ बनाने में हम सबकी हेल्प करें। सबसे पहले रामनवमी पे मैं जम्मू के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और दूसरा ये जहाँ से बोल रहा हूँ ये विक्रम चौक है और यहाँ पर काफ़ी रश है, काफ़ी लोग आ रहे हैं इस आसपास क्योंकि आज साग का विसर्जन का लास्ट डे है, रामनवमी है। कुछ लोगों ने कल अष्टमी में भी किया था लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं वो आज साग का विसर्जन कर रहे हैं। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करिए, ये मैंने लगाया था खुद, मैं और मेरी वाइफ ने, हमने भी सारे फास्ट रखे होते हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग बस यही लाएँ, जब भी वो पानी में जाएँ तो यही चीज़ें हों और ये चीज़ें जो हैं पानी को हार्म नहीं करेंगी, पानी को गंदा नहीं करेंगे, पोल्यूट नहीं करेंगे, पानी की कमी महसूस नहीं देंगे और ऐसे क्या होगा हमारी जम्मू की सारी वाटर बॉडीज, चाहे वो हमारी सूर्यपुत्री हो, चाहे वारी रणवीर कैनाल हो या छोटी छोटी कैनाल जो बाकी हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं वो बिल्कुल वैसी रहेंगी। तो हम जम्मू के सभी लोगों की को एक रिक्वेस्ट की तरफ से है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से रिक्वेस्ट है, हमारे कमिश्नर सर की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से जो साख है वो लाएं ताकि हमारा पानी जम्मू का जो है खासकर सूर्यपुत्री का कम ना हो और पॉल्यूट ना हो। इसके साथ ही मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग ला चुके हैं उसके लिए हमारी हर जगह टीमें हैं, यहाँ पर विक्रम चौक आप वहाँ देखिए हरी की पौड़ी बहुत रश है, वहाँ पर हमारी टीमें और इसके साथ रणवीर कैनाल में जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं, बाकी जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यंग स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत एक अच्छा मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको आप प्लीज़ पॉल्यूट ना करें, इन बच्चों की बात माने और घर में जाके अब अपने जो पेरेंट्स हैं उनको, जो बाकी दोस्तों को ये मैसेज जो है वो प्रोपेगेट करें ताकि अगली बार जब हम ये फंक्शन मनाएं रामनवमी का अष्टमी का सभी लोग इसी तरह से आएं, कोई पॉलीथीन या ऐसी चीज़ लेके नहीं आए। Thank you.
नाम स्तुति अब्रोल है, मैं लिव फॉर अदर्स बीइंग हेल्पफुल की मेंबर हूँ। और आज का हमारा इवेंट है वो सेव द वी कैंपेन है, जो हमने जेएमसी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में किया है। हमारी फाउंडेशन पिछले 3.5 सालों से यहाँ पे ये कैंपेन चला रही है और लोगों को अवेयर कर रही है कि हमें सूर्य पुत्री तवी को बचाना है। कैसे बचाना है? क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन सब अपनी साख खुलाते हैं, माता साख को ला के यहाँ परवाते हैं, पर उनके साथ साथ घरों में जुड़ा जो भी वेस्ट है या फूल मालाएँ तस्वीरें वो भी साथ में परवा देते हैं, जो प्लास्टिक से बना है। पहला, प्लास्टिक हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, पॉल्यूशन फैलता है उसमें, वाटर बॉडीज मर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। हमने सुना था कि तभी में पहले मछलियाँ होती थी, पर आज के ज़माने में आप देखो यहाँ पे नहीं दिखेंगी हमें, मैंने तो आज तक नहीं देखी, पर मेरे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पहले ऐसा होता था, पर आज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने शायद इसे गंदा कर दिया है, उनको मार दिया है, तो इसीलिए हमें अब अपनी सूर्य पुत्र तभी को बचाना है और इसी के लिए हमारे ये कैंपेन चल रहा है पिछले 3 साल से। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि हमने 9 दिन देवी की पूजा की है और उनका विसर्जन करने के लिए हम तभी आते हैं, जो कि सबसे पवित्र जगह मानी जाती है हमारे जम्मू में। तो जैसे कि इन्होंने ये भी शुरू किया है यहाँ पे, आई डोंट नो विच डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस, ठीक है। तो इन्होंने ये बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि हमारी तभी बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुकी हुई है, तो उसके लिए ये जो उन्होंने किया है, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि तभी को जितना हम क्लीन रखेंगे, तो सूर्यपुत्री तभी है, तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को हम बढ़ावा दें और तभी को जितना हो सके उतना क्लियर रखें। जी जय माता दी, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं 5th में पढ़ती हूँ। आप सबको माता रानी जी की शुभकामनाएं लगे। हम यहाँ तवी में आए हैं, हमें तवी में गंद नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि वो माता रानी जी का एक रूप है। हमें तवी में माता रानी जी परवाह करनी चाहिए, जिससे माता रानी जी हमेशा अच्छे रहते हैं। जय माता दी। गाड़ी